हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल बेसिक लर्निंग हव ए यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एमिनेंट पर्सनालिटीज ऑफ हिमाचल प्रदेश की सीरीज़ चल रही है मेरी और इससे पहले मैं बाबा कान्शी राम जी के बारे में करवा चुकी हूँ भागमल सोठा जी के बारे में करवा चुकी हूँ और सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी श्री रामलाल ठाकुर जी के बारे में पढ़ा चुकी हूँ आज हम करेंगे जस्टिस मेहरचंद महाजन जी के बारे में ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं प्री मेन्स दोनों के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो so, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहली बात जस्टिस मेहरचंद महाजन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है क्वेश्चन ये आता है हु वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन ऑफ एच पी टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब हिमाचल प्रदेश से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना था एंड ही वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन फ्रॉम एच मतलब वो पहले थे और इकलौते भी वही थे तो वो थे जस्टिस मेहर चंद महाजन जी इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बनते हैं हिमाचल प्रदेश की ठीक है सो so, फर्स्ट थे हिमाचल प्रदेश के लेकिन थर्ड थे इंडिया की सो ही वॉज द फर्स्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द थर्ड ऑफ इंडिया ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं ही वॉज बॉर्न ऑन ट्वेंटी थर्ड दिसंबर तेईस दिसंबर नाइनटीन एटी नाइन को टिक्का नगरोटा यानी कांगड़ा में इनका जन्म हुआ ठीक है इनकी कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए इनका जो प्राइमरी एजुकेशन था वो नूरपुर से हुआ था आफ्टर दैट ये धर्मशाला भी पढ़े हैं ठीक है तो इनका धर्मशाला से भी एजुकेशन हुआ है मैट्रिक इन्होंने लाहौर से की थी ये चले गए थे 1905 में इन्हें लाहौर भेज दिया गया था और इसलिए इनका मैट्रिक जो है वो लाहौर से हुआ वहीं लाहौर से ही इनकी ग्रेजुएशन हुई हिंदी ऑनर्स में 1910 में ठीक है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से और फिर इन्होंने एल किया वहीं लाहौर से उन्नीस में उसके बाद इन्होंने लाहौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में प्रैक्टिस की और एज एन एडवोकेट भी काम किया और ट्वेंटी सॉरी 27th सेवंथ 1943 को ही वॉज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ़ द लाहौर हाई कोर्ट मतलब लाहौर हाई कोर्ट में भी इन्होंने जज के तौर पे ये 27 सितंबर 1943 को ये अपॉइंट हुए ठीक है फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया 1947 को आपको पता है पार्टीशन हो गया था सो so उसके बाद इन्होंने ईस्ट पंजाब हाई कोर्ट में एज अ जज काम किया ठीक है यानी वहां पे ये अपॉइंट हुए और उसके बाद ये अपॉइंट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर बहुत द लाइन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन से स्टेट के थे तो स्टेट ऑफ द बीकानेर ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द स्टेट ऑफ द बीकानेर ठीक है उसके बाद फोर्थ जनवरी 1954 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट फोर्थ जनवरी 1954 को ही वो ही बिकेम द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये फोर्थ जनवरी 1954 को अपॉइंट हुए ठीक है सो so, बस यही कुछ लाइन्स थी इनकी ऑट ऑफ बायोग्राफी के बारे में हमेशा पूछा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्टिस मेहरचंद महाजन जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी तो वो थी लुकिंग बैक क्वेश्चन ये नहीं आता क्वेश्चन ये आता है लुकिंग बैक किसकी ऑटोबायोग्राफी है तो वो है जस्टिस मेहरचंद की वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है लुकिंग बैक किसकी ऑटोबायोग्राफी uh, है सो so, वो जस्टिस मेहरचंद की है ये पूछा जाता है ये पूछा जाता है कि कौन थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं ऐसे भी पूछ सकते हैं थर्ड चीफ थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे सो जस्टिस मेहरचंद महाजन दी महाजन जी थे या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि हु बिकेम द फर्स्ट एंड ऑनली डेट पूछेंगे फोर्थ जैन नाइनटीन फिफ्टी फोर को ये अपॉइंट हुए थे ठीक है सो so, यही कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स थी इनके बारे में कि आपको पता होनी चाहिए सो थैंक यू सो मच आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं नेक्स्ट uh, पर्सनालिटीज़ देखूंगी बहुत सारी बचती हैं अभी तो बहुत सारी वाई परमार जी हैं वीरभद्र जी हैं शांता कुमार जी हैं उसके बाद किंकरी देवी जी हैं नोरा रिचर्ड्स हैं तो मैं धीरे धीरे करके आपके सामने वो सभी लेके आऊँगी सो दैट आपको पढ़ने में ईज़ी रहे और एक ही जगह आपको अवेलेबल हो जाए सबकी सब ठीक है सो अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करना कमेंट करना मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लाइक से आपके कमेंट से मुझे कमेंट से एक्चुअली मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ठीक है और हो सके तो अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना जो पढ़ने वाले होंगे उनसे स्पेशली शेयर करना ठीक है और सब्सक्राइब करना चैनल ताकि खुश रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहिए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एग्ज़ाम्स दो या तीन महीने के गैप में आ ही जाएंगे। सो बी प्रिपेयर महीना भर पहले ही प्रिपेयर हो जाना आप एग्ज़ाम से ठीक है सो so, धीरे धीरे आप सब कुछ रिवाइज करते रहिए थैंक यू सो मच थैंक यू